नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वैक्सीन के बारे में, क्योंकि वैक्सीन अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आने वाले समय में भी, अभी भी और पिछले समय से चल रहा है। इंटरनेशनल अगर कनेक्टिविटी या फिर अपने को ट्रेवल करना होगा तो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इंडिया में कोरोना को हराने के लिए या कोरोना से बचने के लिए भी ये कोरोना वैक्सीन का जो वैक्सीन आ रही है इसका इम्पोर्टेंट भाग रहेगा। तो कुछ हम बड़े टॉपिक पे हम बात करेंगे, 8 से 10 टॉपिक रहेंगे कि वैक्सीन लगवाने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, राज्य सरकार क्या बोलती है, इंडियन सरकार क्या बोलती है, विदेशों के जो टीके इंडिया में आने की अभी लेट क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है, पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। अगर कुछ हो जाता है तो मुआवजा कौन देगा, विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आ रही है तो वो चाहती है कि हमें इंडेमिटी मिले, यानी इसकी सुरक्षा कौन देगा हमें, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि भाई जो ड्रग्स से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं उनको सरकार की तरफ से इंडेमिटी यानी सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा मिलती है, ऐसा कोई रूल इंडिया में नहीं है। बाकी कई जो बड़े देश हैं, जो शिक्षित देश हैं, जैसे यूके यूएसए, उसमें सुविधा इनको मिलती भी है, अभी भी मिल रही है, WHO ने भी इनको मान्यता दी है। डिटेल से जानिए भाई, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर क्या आपने वैक्सीन लगवा ली या लगवानी है तो उसमें कुछ गड़बड़ होती है, मान लीजिए कुछ साइड इफेक्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि अभी तक की न्यूज की बात करें तो 30 करोड़ से ऊपर लोगों को अभी तक डोज ये जो वैक्सीन है लग चुकी है, और मौत के मामले की बात करें साइड इफेक्ट की, तो जो रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जो डेटा है उसके अनुसार एक बंदे की अभी तक मौत हुई है। जी हाँ, उसको साइड इफेक्ट हुआ है, यानी 0.001% इसकी मौत रेशियो है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी अफवाहें फैलती है ना वो अलग होती है, वो एक देखना होता है कि भाई डोज जैसे ही इंजेक्शन कोई वैक्सीन लगवाता है और उसकी कोई डेथ हो जाती है 2-3 दिन के बाद में, तो वो हालांकि लोग ये बोल देते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको हो सकता है कोई अन्य बीमारी हो उनकी वजह से डेथ हो जाती है, तो वो एक लोग एलिगेशन लगा देते हैं, बाकी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के बाहर के देशों की बात करें तो यूके यूएसए में उसमें भी ऐसा कोई गड़बड़ी, जो मॉडर्ना है, अलग अलग जो फाइजर है, जो विदेशी टीके हैं उनमें भी ऐसी कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें हम बात करें जैसे मान लीजिए गंभीर साइड इफेक्ट पर मुआवजा देगी सरकार, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। फाइजर मॉडर्ना जो इंडिया में वैक्सीन इंडिया की सरकार की और इनकी इन कंपनियों की डील चल रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें कानूनी प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है भाई कि कानूनी प्रोटेक्शन दिया जाए कंपनियों को। इंजेक्शन है या फिर ड्रग से रिलेटेड, दवाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, साइड इफेक्ट होता है, तो वो कंपनियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो ही जाने उनका काम जाने, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। जी हाँ, हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि गंभीर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सरकार मुआवजा देगी, इंडियन सरकार की अगर बात करें तो, बाकी नॉर्मली में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे हम बात करें कि अगर जो विदेशी जो टीके हैं जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, वो लगभग डील कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ प्रॉब्लम बाकी इसलिए आ रही है कि वो कंपनियां चाहती हैं कि हम जैसे इंडिया में टीका उपलब्ध करवाएंगे, कल को किसी का साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसकी हम कानूनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, लेकिन सरकार कानूनी प्रोटेक्शन अगर उनको दे देगी तो फिर जो जिम्मेदारी है वो कंपनियों के हटके सरकार पे आ जाएगी, कल को उनको कुछ होता है तो सरकार उनको मुआवजा दे, वो इतने बड़ी इंडिया में भाई संभव नहीं है, और इंडिया में पहले से ही ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि भाई सरकार अन्य को दे रही है प्रोटेक्शन और इनको नहीं दे, तो समझ रहे हो। तो वो सरकार ये चाहती है कि भाई आपकी लायबिलिटी रहे, आप जानो आपका काम जाने। जी हाँ, हालांकि यूएसए, यूके और WHO ने वैक्सीन को इंडोमिनिटी दे रखी है, यानी प्रोटेक्शन दिया हुआ है अमेरिका में भी और यूके में भी, तो वो चाहती हैं कि हमें इंडिया में भी मिल जाए, लेकिन इंडिया में ऐसा कानून है नहीं। हालांकि विदेशों में जो वैक्सीन दी जा रही है, मॉडर्ना, फाइजर वगैरह, उनमें जवाबदेही सरकारों की होती है, उन्होंने सर जिम्मेदारी लेके रखी है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल है नहीं। जी हाँ, तो शॉर्ट में अगर बात करें तो भाई टीके आराम से लगवाएं, कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है अभी तक कि भाई कोई गंभीर साइड इफेक्ट हो जाए, वो एक अलग इश्यू होता है, बाकी सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, आराम से टीके लगवाएं, विदेश जाने वाले भी लगवाएं, इंडिया में जो रहते हैं वो भी, बाकी इंडिमिनिटी यानी जो ये वैक्सीन जो फाइजर है या फिर मॉडर्ना है ये इंडिया में आती है तो वो प्रोटेक्शन सरकार देती है, अभी तक तो कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं है, आगे होगा तो आप लोगों को बताएंगे। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।